और दियारा में हमने तो बहुत कोशिश करके एक चौकी भी बनवाई थी, वो चौकी भी हटा दी इन लोगों ने। इसी की वजह से वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में अपराध और अपराधियों का मन बढ़ गया। ये कटिहार की घटना पहली घटना नहीं है, इस तरह का गैंगवार पटना जिले में भी हुआ बालू को लेकर। कटिहार की घटना आई ओपनर है और उस पर अगर सरकार आंख बंद किए रहेगी तो ये घटनाएं बढ़ेंगी, इसको रोका जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था के साथ साथ हाल के दिनों में जो कटिहार और भागलपुर में घटना घटी है उसको लेकर आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ने महागठबंधन की सरकार पर बड़ा हमला बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं शहनवाज हुसैन, पहले आप वो सुने। देखिए, कटिहार कहने को है वो भागलपुर के पीरपैंती और कटिहार के बीच का इलाका है, वहाँ पर बराबर इस तरह की घटना कलई को लेके होती है। और दियारा में हमने तो बहुत कोशिश करके एक चौकी भी बनवाई थी, वो चौकी भी हटा दी इन लोगों ने। इसी की वजह से वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में अपराध और अपराधियों का मन बढ़ गया। और अभी चर्चा हो रही है कि कटिहार में हुआ और यहाँ क्या हुआ था, बगल में पटना में डीजीपी के ऑफिस से बगल में जब इन्वेस्टर मीट हो रहा था जिस दिन, जहाँ उस दिन कितने लोग बालू के लेके मारे गए। ये कटिहार की घटना पहली घटना नहीं है, इस तरह का गैंगवार पटना जिले में भी हुआ बालू को लेकर, और वहाँ होता है कलई या जमीन को लेकर। और जिस तरह की घटना हुई है वहाँ पर एक परमानेंट चौकी बनानी चाहिए, लेकिन अपराध और अपराधियों का मन बढ़ गया है तभी तो ऐसी घटना हो रही है। और जो संख्या बताई जा रही है उससे ज़्यादा लोग मारे गए। बालू वाले में भी जो मीडिया की प्रारंभिक रिपोर्ट थी और सरकार की रिपोर्ट, दोनों में अंतर था। और वो मार देते हैं और वहीं पर बालू में गाड़ देते हैं, वहाँ भी कटिहार में मार दिया गया और नदी में फेंक दिया गया, गाड़ दिया गया। तो ये बहुत दुखद है, इसको सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कटिहार की घटना आई ओपनर है और उस पर अगर सरकार आंख बंद किए रहेगी तो ये घटनाएं बढ़ेंगी, इसको रोका जाना चाहिए। ठीक है, आज 13 दिल्ली के लिए है, आप बिल लीजिएगा तो बहुत। तो आपने साफ तौर पे सुना, बीते दिनों पहले जिस तरह से कटिहार और भागलपुर में जो घटना घटी और साथ ही साथ जिस तरह से बिहार में इन दिनों कानून व्यवस्था जो बिगड़ते जा रही है उसको लेकर आज बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ने अपना बयान दिया है और साथ ही साथ महागठबंधन की सरकार पर जोरदार हमला बोला है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।